गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, आज हम लोग क्लास UKG के मैथ में हाफ ईयरली का जो रिवीजन कर रहे हैं उसमें कल हमने काउंटिंग 21 से 40 तक लिखना सीखा था। काउंट एंड राइट द नंबर, दिए गए चित्र को गिनना था और उसमें दिए गए बॉक्स में उस नंबर को, अंक को लिखना था। आज हम लोग पढ़ेंगे राइट द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, तो बढ़ते क्रम में लिखना है, आगे की ओर बढ़ना, तो आगे की ओर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जैसे कि ए में दिया है फ्रॉम 5 to 8, तो हमें क्या चीज को लिखना है 5 to 8? काउंटिंग को लिखना है, 5 से स्टार्ट करना है और 8 पे खत्म करना है, 5 6 7 8 आगे की ओर बढ़ रहा है, यही बढ़ते हुए क्रम को इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाता है। और बी में कह रहा है फ्रॉम 6 to 9, तो यहाँ नंबर पे ध्यान देना है, स्टार्ट कितने से करना है, 6 लिखा हुआ है तो 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, तो जो नंबर दिया हुआ है उसी से स्टार्ट करना है। मान लीजिए सी में एक और क्वेश्चन हम डाल देते हैं, जैसे कि अगर लिखा रहता फ्रॉम 4 to 7, ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग कितने से करेंगे? अगर यहाँ बॉक्स दिया हुआ रहेगा तो स्टार्ट कितने से करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पर 4 से, तो फर्स्ट में लिख देंगे 4, फिर 5, फिर 6, उसके बाद 7, ठीक है। तो वही इसमें देखना है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि जो नंबर स्टार्ट करने, जो नंबर से बोल रहा है वो आगे लिखेंगे, उसके बाद का नंबर लिखते लिखते, और जो जहाँ तक का नंबर बोला गया है वहाँ पर आके हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये आज आप लोग का रिवीजन वर्क है, अगले क्लास में हम लोग और से आगे, और भी आगे रिवीजन वर्क पढ़ेंगे समझेंगे। ओके, थैंक यू।